हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले तो आप सभी को शुभ नवरात्रि। आज मैं आपके साथ व्रत में खाई जाने वाली सिंघाड़ा आटे की पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंघाड़े का आटा ले लिया है, यह मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिंघाड़े का आटा लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें राजगिरा आटा। ये ध्यान रखिएगा कि सिंघाड़े का आटा आपने जितना लिया उससे आधा हमको राजगिरा आटा लेना है। अब मैंने यहाँ पर मूंगफली का पाउडर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ उबला हुआ आलू, ये भी हमको एक कटोरी डालना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अब मैं डालूंगी यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। अब मैं डालूंगी यहाँ पर व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक स्वाद अनुसार, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये आटे की पूड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम पानी की सहायता से इसको अच्छे से मार लेंगे। इसका हम अच्छे से डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें गर्म पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर मैंने ठंडे पानी से ही इसका डो लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये यहाँ पर डो लग गया है इजीली। फ्रेंड्स, इसका हम डो अच्छे से लगा लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा घी। घी लगा के भी हमको इसको अच्छे से एक सा कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये पूड़ियाँ खानी हो तभी आप इसका डो लगाइएगा, इसका ज़्यादा पहले से डो नहीं लगाया जाता है। अब मैंने यहाँ पर परथन के लिए ले लिया सिंघाड़े का आटा, और इसकी हम छोटी छोटी सी टुकड़े तोड़ लेंगे और लोइयाँ बना लेंगे। जितनी बड़ी आप पूड़ी बनाना चाहें उतना बड़ा ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सूखे आटे से डस्ट कर लिया है, अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ईजिली बिल जाती है, आप इसको थोड़ा थोड़ा घुमाते जाइए और बेलते जाइए। ये देखिए, मैंने इसको ना यहाँ पर ज़्यादा मोटा रखा है ना ही ज़्यादा पतला रखा है। अब मैं यहाँ पर ऐसे ही सारी पूड़ियाँ बेल करके एक प्लेट में रख लूँगी। चाहे तो आप इसको तुरंत भी बेल के सेक सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेल कर एक प्लेट में रखा है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें घी डाला है और छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है आटे का कि हमारी कढ़ाई अच्छे से तेल गरम हुआ है या नहीं। अब हमारा घी अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम एक एक करके इसमें पूड़ियाँ तल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूड़ी डाली है। अब हम इसको झरिए की सहायता से, चम्मच की सहायता से इसको दबाते हुए इसको अच्छे से फुला लेंगे। इसको दबाते हुए गोल गोल घुमाना है और इसको अच्छे से पलट लेना है। ये पूड़ी हमारी अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इसको अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमको मीडियम फ्लेम पर सेकना है, ना हमारी आँच ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना धीमी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी पूड़ी बन गई है, हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे आलू की सब्ज़ी और दही किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बनकर एकदम फूली फूली गर्मा गर्म व्रत वाली पूड़ियाँ बनकर एकदम रेडी हैं। फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।